हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। रविचंद्रन अश्विन ने रातों की नींद उड़ा दी है स्टीव स्मिथ की, और उन्होंने खुद ये माना है कि मैंने अश्विन को अपने ऊपर हावी होने दिया, इसलिए अश्विन ने मेरा ये हाल कर दिया है। आपको याद होगा पहले टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को 191 पे ऑल आउट किया था, उसमें रविचंद्रन अश्विन का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने उस मैच में भी स्टीव स्मिथ को बहुत सस्ते में आउट कर दिया था, और फिर मेलबर्न में आकर भी पहली पारी में स्टीव स्मिथ को शून्य पर आउट कर दिया था, और लगभग 7 से 8 गेंदें खेली थी स्मिथ ने, और ऐसा लग रहा था अब गए कि तब गए, मतलब पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे वो रविचंद्रन अश्विन के सामने। तो फिर पोस्ट मैच के बाद उसके बाद उनसे सवाल पूछे गए कि अश्विन को खेलने के बारे में क्या दिक्कतें आ रही है आपको, मतलब क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुझे किसी भी गेंदबाज ने कभी परेशान नहीं किया, और इसके लिए काफी हद तक मैं खुद जिम्मेदार हूं। उन्होंने कहा कि मैं अगर अश्विन पर थोड़ा सा अटैक करता तो हो सकता है कि मैं बच जाता, लेकिन मैंने अश्विन को अपने ऊपर हावी होने का मौका दे दिया, ऐसा मैंने किसी भी गेंदबाज को आज तक मौका नहीं दिया है। अश्विन ही ऐसे गेंदबाज है जिनको मैंने ऐसा मौका दे दिया और वो मेरे ऊपर हावी हो गए, मेरा विकेट ले लिया। तो स्टीव स्मिथ के मुताबिक इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन आप बताइए क्या आप मानते हैं कि स्टीव स्मिथ खुद जिम्मेदार है या फिर नहीं। क्रेडिट देना चाहिए रविचंद्रन अश्विन को, कप्तान रहाणे को, टीम की प्लानिंग को, जिस तरीके से प्लान करके स्टीव स्मिथ को आउट किया गया। क्या सोचते हैं बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।